है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, खतरनाक वायरस हो सकता है, और उसी की वजह से लोग डेथ कर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा 90% मौतें जो होती है वो इसकी भय की वजह से होती है, बल्कि जहर की वजह से नहीं, क्योंकि जहर इसमें बिल्कुल नहीं है। और ये छिपकली का ही एक बड़ा रूप है। अब इसे हम आज़ाद कर देंगे ताकि ये खुली हवा में जा सके। बहुत बड़ी है, लगभग ये 3.5 फीट के लगभग है। चूहे वगैरह ये यहाँ खुले एरिया के अंदर अपना ढूंढेगी और अपना भोजन बनाएगी। दोस्तों, हम आप लोगों को ये वीडियो इसलिए, वैसे तो वीडियो बनाना ठीक नहीं है इन जीवों का, लेकिन हमारा जो मकसद है वो है जागरूकता के लिए, क्योंकि इन जीवों को रेस्क्यू करके और छोड़ना ये सब एक प्रक्रिया के थ्रू होता है, कानूनी दायरे में रह करके ये सब करना पड़ता है। और आप लोगों को हम इसलिए बताना चाहते हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि आपको शायद ना पता हो लेकिन 90% लोग जो है सांपों के जहर की वजह से नहीं, इन जीवों के जहर की वजह से नहीं, बल्कि इनके भय की वजह से मरते हैं। और ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है ताकि आपको उन जीवों की पहचान भी हो सके और आप लोगों का जो है दिल खुल सके, और आप ये मन में न सोचें कि सारे जीव जहरीले होते हैं। भारत में 550 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, उनमें से केवल 4 जहरीले हैं, कोबरा, करैत, रैटल स्नेक और पिट वाइपर। तो इन सब की अगर सिर्फ 4 की आप पहचान करेंगे तो बाकी सांपों को मारने की या उनको पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप घूमते रहेंगे, क्योंकि ये धरती देखिए इन्हीं जीवों की है। और क्योंकि लोग बहुत सारे मकान वगैरह बना लेते हैं, जंगल जो कंक्रीट के जंगल पैदा हो रहे हैं अलग अलग जगह, और जो असली जंगल है वो कट रहे हैं, और इसी को लेकर के हमारी एक मुहिम है। अब तक हम 22,000 से ज़्यादा स्नेक और मॉनिटर लिजर्ड और ये वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो जीव हैं उनको रेस्क्यू कर चुके हैं। हमारी इस मुहिम का आप हिस्सा बने, और जहाँ पर भी कोई इस तरह का जीव दिखाई दे तो आप हमारी टीम एमरजेंसी रिलीफ टीम नेटवर्क की सहायता ले सकते हैं या वन्य जीव विभाग को संपर्क कर सकते हैं। इन जीवों को मारे नहीं, छेड़छाड़ न करें, और हमें देख करके वीडियो बनाने की भी कोशिश न करें और खुद हाथ डालने की कोशिश न करें, बल्कि एक्सपर्ट की राय लें और एक्सपर्ट को इसकी जानकारी दें। धन्यवाद। थैंक यू।